आवान टाउन में शौहर ने बीवी और सास को ज़िबह कर दिया है। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक खबर आवान टाउन से, जहां पर शौहर ने बीवी और सास को ज़िबह कर दिया है। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बीवी और सास को ज़िबह कर दिया है और इल्ज़ाम यह लगाया है कि दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर शक गुजरा और उसके बाद ये इंतहाई कदम उठाया है। आवान टाउन में शौहर ने बीवी और सास को ज़िबह कर डाला है। ताल्लुकात के शुबे में जो है दोनों को कत्ल किया गया। दोनों को ज़िबह करने के बाद अब मुलजिम ने गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मजीद अपडेट्स लेंगे मुदस्सिर नवाब से। मुदस्सिर, अफसोसनाक वाकया पेश आया आवान टाउन में। जी हाँ ताहिर, बिल्कुल जी, अभी से कुछ देर पहले जो सब्जाजार के इलाका आवान टाउन में जो एक ये जो अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है कि दो खवातीन का जो है वो कत्ल बेईमाना तरीके से कर दिया गया है, और ये कत्ल की इतला मिलने पर जो पुलिस थी वो मौका पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीमें भी जो मौका पर पहुंची हैं, जबकि दोनों खवातीन की जो शनाख्त जो है अभी तक नहीं हो सकी है। जबकि इस हवाले से जो पुलिस ज़राए का ये कहना है, जो उनका ये कहना है कि दोनों खवातीन जो थी उन्होंने दो रोज कबल जो है ये मकान जो है किराए पर लिया था और दो रोज कबल अभी मकान में सेटल हुई थी, तो इस दौरान जो है ये आज वाकया रोनुमा हुआ है। इस हवाले से जो दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसका एक जो खातून थी उसका भाई था और उसकी जो भाई का जो उसका ब्रदर इन लॉ था, उस दोनों मुलजमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उनसे जो मुबैना तौर पर आला एक कत्ल भी जो मौका से जो था वो भी बरामद कर लिया गया है। और इस हवाले से जो तहकीकात की जाएंगी, अभी इस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि आया इन दोनों मुलजमान ने ही आया जो अपने इन दोनों खवातीन को कत्ल किया गया है, क्योंकि उसका जो शोहर है इन दोनों खवातीन जो साइमा नामी एक खातून है, उसका जो मुबैना तौर पर उनका जो खातून शोहर है वो अभी तक लापता है, वो अभी तक मिल नहीं सका। वो अपने बच्चों के साथ वो दूसरे किसी एरिया में रहायश पजीर है, जबकि इनका इधर इस हवाले से कत्ल कर दिया गया है। और इस हवाले से जो इतला देने की कोशिश की गई है उसके शोहर को, लेकिन उससे रब्ता नहीं हो सका, पुलिस राय का ये कहना है। जबकि इस हवाले से मजीद जो शवाहद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में सास और बीवी को शोहर की जानिब से कत्ल किया गया। शुक्रिया मुदस्सिर नवाब।